वेलकम बैक टू माई चैनल स्वाति हेयर। आज मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, ये होगा मिंट फेस पैक। एंड आपको पता है कि पुदीना आपके स्किन के लिए कितना अच्छा, पता है कि पुदीने में नो कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसके नो कोई चटनी वगैरह खाते हो नो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स वगैरह निकालता है, ठंडक प्रोवाइड करता है आपके स्टमक को। तो उसी हिसाब से अगर आप इसको अपने फेस के ऊपर लगाओगे तो आपको नो बहुत कूलिंग इफेक्ट देगा। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, गर्मियों में जब हम बाहर जाते हैं सन टैन हो जाती है, कई बार सन बर्न हो जाती है, तो आप यू नो इस फेस पैक को लगाओगे आपको बिल्कुल यू नो ठंडक मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, पिंपल प्रोन स्किन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए पुदीना बहुत अच्छा है, मिंट बहुत अच्छा है, आपके यू नो पिंपल्स बिल्कुल खत्म कर देगा। प्लस जिनके पिंपल्स नहीं है लेकिन उनके फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं, जैसे अब मेरे भी हैं, मेरे पिंपल्स नहीं है लेकिन मेरे फेस के ऊपर यू नो यहाँ पे दाग है, यहाँ पे दाग है, अगर दाग धब्बे है यार मैं भी लगाऊंगी उसको। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ बात करूँ तो ये सारे स्किन टाइप वाले इसको लगा सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन हो, चाहे वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन हो, तो इसलिए आप सारे लगा सकते हो इसको बिना किसी टेंशन लिए। मैंने इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डाला जो आपको यू नो लगे कि हमें सूट करेगा या नहीं करेगा, मैंने सारे स्किन टाइप को यू नो ध्यान से रख के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हुए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देखो इसको ये कैसे मैं बनाती हूँ एंड मैं आपको यू नो अपने फेस के ऊपर भी लगा के दिखाऊंगी। बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ पुदीने की पत्तियां एंड आपने इनको धो लेना है और इसको आपने मिक्सी में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसका चाहिए बेसन एंड उसके बाद आपको चाहिए हनी। ये फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए क्लीन बाउल, उसमें आपने लेना है एक चम्मच पुदीना पिसा हुआ जो मैंने आपको अभी दिखाया, मैंने उसकी जस्ट मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लिया है। एंड मैं और मुझे चाहिए एक चम्मच बेसन, तो मैं इस बेसन को ये एक चम्मच था मैंने सारा डाल दिया। एंड फिर मुझे मैंने डालना है एक चम्मच हनी, ये हनी आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया एंड ये कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। एंड मैं इसको अपने फेस के ऊपर लगा के दिखाती हूँ। आपने जब भी कोई भी फेस पैक लगाना है आपका फेस क्लीन होना चाहिए। आप देख लो मैंने अभी अभी नो अपना फेस क्लीन किया है एंड अब मैं आपको यू नो फटाफट ये लगा के दिखाती हूँ। इसमें मैंने जो पुदीना डाला है ये आपकी स्किन को यू नो साफ करेगा, इसमें जितने भी नो दाग धब्बे अगर किसी के पड़े होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है, ये उसको भी साफ करेगा। एंड जो बेसन होता है वो आपको यू नो स्क्रब का काम करेगा, और जो मैंने इसमें शहद डाली है वो यू नो सब कुछ को यू नो बैलेंस करेगा कि ये ड्राई स्किन वाले भी इसको आराम से यूज कर सके। तो आप इस फेस पैक को मैं अपने पूरे फेस के ऊपर लगाती हूँ। 15 to 20 मिनट्स मैंने रख लिया, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया एंड आपने जस्ट अपने फेस को पैड ड्राई करना होता है, रगड़ना नहीं होता। एंड आप देख सकते हो स्किन कितनी साफ हो गई है एंड डेड स्किन सारी उतर चुकी है। एंड आपने ये फेस पैक है तो आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार इसको यूज करना है, आप इसको जरूर ट्राई करो, आपके धीरे धीरे ना सारे दाग धब्बे जितने होंगे सारे ना साफ हो जाएंगे, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अब आपने देख लिया कि ये फेस पैक बनाना कितना ईजी था, इसमें जस्ट मैंने मिंट लीव्स डाले एंड बेसन डाला और इसमें जस्ट मैंने हनी डाले, सिर्फ तीन चीजें डाली है जो आपकी स्किन को यू नो ठंडक देगा, कूलिंग प्रॉपर्टीज देगा, बेसन आपको स्क्रब भी करेगा एंड जो हनी है वो आपको यू नो मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करेगा लेकिन ऑयली नहीं करेगा। सो आप इस फेस पैक को जरूर बनाओ यार, इस गर्मियों में पुदीना आपको पता है मिंट कितना ताजा ताजा आता है, फ्रेश आता है, तो आप इसको यू नो मिंट लीव्स को यूज करो, खाओ भी और उसको लगाओ भी और मेरे को बताओ भी कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। टिल देन बाय।